दोस्तों, एनिमल किंगडम खतरे से भरा हुआ है। अगर आप फूड चेन में टॉप पर नहीं आते हैं तो हर वक्त मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई दूसरा शिकारी आकर हमला ना कर दे। हालांकि कुछ जानवर ऐसे हैं जिन्हें खुद को शिकारी जानवरों से बचाना बखूबी आता है। जिनमें से कुछ जानवर छिपने की कला में माहिर हैं तो कुछ का डिफेंस मैकेनिज्म उन्हें लड़ने में मदद करता है। लेकिन जानवरों की दुनिया में एक जीव ऐसा है जिसके डिफेंस मैकेनिज्म के आगे किसी की भी नहीं चलती, और वो है इलेक्ट्रिक ईल। इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पानी में रहने वाला ये जीव अपने बचाव के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है, जो कहीं और नहीं बल्कि उसके शरीर से ही निकलती है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि क्या बिजली के झटके देने वाली इलेक्ट्रिक ईल एलिगेटर जैसे खतरनाक जानवर को अपना शिकार बना सकती है, या फिर एलिगेटर का खतरनाक बाइट फोर्स इस इलेक्ट्रिक ईल को चारों खाने चित कर देगा। दोस्तों, बचपन में आपने भी कभी ना कभी 9 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसे अपनी जुबान पर लगाकर उसका स्वाद चखने की कोशिश करी होगी, और उसका एक्सपीरियंस भी आपको याद ही होगा। ऐसे में आप खुद ही सोचिए, जब 9 वोल्ट की बैटरी हमको अजीब सा झटका महसूस करवा सकती है तो ये इलेक्ट्रिक पावर बढ़कर 860 वोल्ट हो जाए तब क्या हाल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक ईल जब किसी को झटका देती है तो उसे इतना ही पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इलेक्ट्रोफोकस इलेक्ट्रिकस, जिन्हें हम आम भाषा में इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार की मछली है। हाँ, भले ही इसके नाम में ईल शब्द देखने को मिलता है और ये देखने में भी उन्हीं की तरह है, पर ये ईल नहीं है, क्योंकि ये मछली नाइफ फिश के जिम्नोडोफॉर्मी फैमिली से बिलोंग करती है। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो ये मछलियाँ कैटफिश की दूर की रिश्तेदार हैं। साल 2019 तक एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि इलेक्ट्रिक ईल की केवल एक ही प्रजाति है, लेकिन जब खोजबीन हुई तो ये पता चला कि इनकी दो और प्रजातियाँ मौजूद हैं, जिनका नाम इलेक्ट्रोफोरस वारी और इलेक्ट्रोफोरस वोल्टाई है। दोस्तों, 8 फीट तक ग्रो करने वाले ये जीव वजन में करीब 44 पाउंड तक के होते हैं, और आप इलेक्ट्रिक ईल को साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट इलाके में देख सकते हैं, जिनमें अमेजोन और ओरिनोको रिवर बेसिन्स भी शामिल हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक ईल कई तरह के जीवों को अपना भोजन बनाती है, लेकिन इन्हें मीठे पानी में रहने वाले स्लो मूविंग क्रिएचर्स कुछ ज्यादा ही पसंद है, क्योंकि ये अपने शिकार को इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं, जिसकी वजह से या तो वो अधमरा हो जाता है या फिर वो मर ही जाता है, और तब इनके लिए अपना भोजन बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके ये जीव मछलियों से लेकर छोटे छोटे मैमल्स तक हर किसी को अपना भोजन में शामिल करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वेनेजुएला में रहने वाली एक इंडिजियस ट्राइब है जिसका नाम इलेक्ट्रिक ईल एरिमना है। दोस्तों, इस ट्राइब के लोग इलेक्ट्रिक ईल पकड़ने के लिए जंगली घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, जहां ये अपने जंगली घोड़ों को उन इलाकों में ले जाते थे जहां पर इलेक्ट्रिक ईल बहुत बड़ी संख्या में हो। वहां जाने के बाद कबीले के लोग इंतजार करते थे। घोड़ों को पानी के अंदर पाकर जब इलेक्ट्रिक ईल घोड़ों के नज़दीक आए और उन पर वार करने की कोशिश करती थी, वैसे ही इस कबीले के लोग उन्हें अपने चंगुल में ले लेते थे। और आप ये जानकर तो और भी हैरान हो जाएंगे कि बिजली के झटके देने वाले इस जीव को पकड़ने की ये टेक्निक अभी तक चलती आ रही है। इस टेक्निक के बारे में सबसे पहले 18वीं शताब्दी में पर्शियन एक्सप्लोरर अलेक्जेंडर वॉन ने लोगों को बताया। इन्हें इलेक्ट्रिक ईल को लेकर कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी। इन्होंने वेनेजुएला के रिमोट रेन फॉरेस्ट विलेज लॉस लेनोस में कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ताकि ये इलेक्ट्रिक ईल से लगने वाले बिजली के झटके की पावर का अंदाजा लगा सकें। हम आपको बता दें कि इनके एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते थे, जिसमें ये किसी भी वोल्ट मीटर और एम्परेज मीटर का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि अलेक्जेंडर इलेक्ट्रिक ईल को हाथों में पकड़ लेते थे ताकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सके कि इनसे लगने वाले इलेक्ट्रिक शॉक्स किस लेवल तक खतरनाक हैं। कई बार तो इलेक्ट्रिक ईल से मिलने वाले इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से काफ़ी समय तक उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती थी, और जब कई घंटों बाद ये होश में आते थे तो वापस से अपने द्वारा महसूस किए गए इलेक्ट्रिक शॉक को नोट करते थे। दोस्तों, अब भले ही लोगों को ये पता हो कि इलेक्ट्रिक ईल बिजली के झटके देने वाले जीव हैं, लेकिन इस बात को जानने में 100 साल लग गए कि आखिर ये अपने शरीर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट करते हैं। असल में इनके शरीर में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के 3 पेयर्स होते हैं,
और इन्हीं ऑर्गन्स में लाखों की संख्या में मॉडिफाइड मसल सेल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, जो बिल्कुल परफेक्ट रोज में अरेंज होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैटरी में सेल्स अरेंज होते हैं। और यही इलेक्ट्रोसाइट्स चार्ज आयंस को अपने अंदर से फ्लो होने का मौका देते हैं। जब ये चार्ज हो जाते हैं तो करंट ब्लीड होता है, इसी वजह से जैसे ही इन्हें खतरा महसूस होता है तो इनकी बॉडी से करंट फ्लो होने लगता है। इलेक्ट्रिक ईल इलेक्ट्रोसाइट्स का इस्तेमाल अपने सेक्स ऑर्गन्स में भी करता है ताकि वीक इलेक्ट्रिक पल्सेस का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट कर सके। इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कम्युनिकेशन और एक्टिव इलेक्ट्रोलोकेशन में काम आती है ताकि ये बिल्कुल गहरे अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ सके। और सिर्फ शिकार ही क्यों, अपने आप को शिकारी जानवरों से बचाने के लिए भी ये जीव ऐसा ही करते हैं। और अगर इन पर कोई हमला करता है तो ये अपने दुश्मन पर अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके उसे कमजोर कर देते हैं ताकि ये बचकर भाग निकल सके। जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो ये जीव 860 वोल्ट के 2 से 3 पल्सेस निकालते हैं। ये हाई वोल्टेज पल्सेस जैसे ही दुश्मन को बिजली के झटके के रूप में लगते हैं उसके नर्वस सिस्टम पर इसका गहरा असर पड़ता है। साथ ही साथ इस तरह के इलेक्ट्रिक शॉक से पानी में लहरें बनती हैं जिसके कारण दूसरे जीवों के छुपने की जगह का भी पता चल जाता है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि सामने वाले जानवर को पता भी नहीं चलता कि क्या हो गया है क्योंकि उसे बिल्कुल अचानक से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। दोस्तों अगर वो भी काफ़ी नहीं होता तो इलेक्ट्रिक ईल और भी ज़ोरदार इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करती है और इनका खतरा केवल पानी के अंदर ही नहीं होता बल्कि ये पानी के बाहर निकलकर भी अपने दुश्मन पर वार करने से पीछे नहीं हटती। जहां पानी के बाहर ये और भी ज़ोरदार बिजली का झटका देती हैं जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ईल पूरी तरह से पानी के अंदर होती है तो इनके शरीर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज वाटर से कनेक्टेड होता है, लेकिन जैसे ही ये पानी के बाहर निकल कर करंट फ्लो करती हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और भी अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं जिसकी वजह से इसके दुश्मन को और भी जोरदार झटका लगता है। और इस चीज को मेजर करने के लिए वैज्ञानिकों ने नकली हाथ का इस्तेमाल किया जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सेंसर लगे हुए थे जिससे ये पता चला कि पानी के बाहर निकलकर इलेक्ट्रिक ईल से निकलने वाला करंट ज्यादा जोरदार होता है। अब इलेक्ट्रिक ईल के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद एक चीज तो तय है कि इनसे जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतना ही बढ़िया है क्योंकि बहादुरी दिखाकर इनके सामने जाना खुलेआम मौत को न्योता देने के बराबर है। हालांकि हम और आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ईल के लिए छोटी मोटी मछलियों को अपना शिकार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तब क्या हो जब इनका सामना बड़े जानवरों से हो। दोस्तों सबसे पहले हम इंसानों के दोस्त डॉग्स के बारे में बात करें तो साइज में डॉग्स भले ही इलेक्ट्रिक ईल से बड़े होते हैं लेकिन इनका एक झटका डॉग को ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी होता है कि उन्होंने गलत जानवर से पंगा लिया है। यकीन नहीं आता तो ज़रा यहाँ देखिए कैसे इलेक्ट्रिक ईल की बॉडी से निकलने वाला एक इलेक्ट्रिक शॉक जर्मन शेफर्ड डॉग की हालत ख़राब कर देता है और वो चिल्लाता हुआ भाग जाता है। पर यहाँ अगर हम बात करें अमेज़न नदी में रहने वाले कैमन की तो दोस्तों इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मगरमच्छ की प्रजाति के ये जानवर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो अपने मजबूत जबड़ों के बल पर पानी में रहने वाले लगभग सभी जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। पर जब इनका सामना इलेक्ट्रिक ईल से होता है तो मामला कुछ और ही देखने को मिलता है क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक ईल को देखते हैं उसे अपना भोजन बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर जैसे ही इन्हें आसपास होता देख इलेक्ट्रिक ईल को खतरा महसूस होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक देकर इन्हें दूर भगाती है। जब कैमन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसका शरीर कुछ पल के लिए तो काम करना ही बंद कर देता है और अगर वो समझदार हुआ तो इतने में उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर शिकार करना खतरे से खाली नहीं है और इस कंडीशन में कई सारे कैमन भाग निकलते हैं। पर कुछ के मन में बदले की भावना आ जाती है और वो तुरंत इलेक्ट्रिक ईल को अपने मजबूत जबड़ों में दबाने की कोशिश करते हैं और जब ऐसा होता है तो इनके नुकीले दांत इलेक्ट्रिक ईल के शरीर में घुसते ही वो बिजली के झटके देना शुरू कर देती है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में फंस जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से कैमन ना ही अपना मुंह खोल पाता है और ना ही इलेक्ट्रिक ईल बाहर निकल पाती है और कुछ ही समय में कैमन की मौत हो जाती है। पर दोस्तों जब बात इंसानों की आती है तो कई बार इलेक्ट्रिक ईल से मिलने वाले इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से लोग पानी में डूब कर मरे हैं लेकिन किसी की भी मौत इनके हमले से नहीं दर्ज करी गई है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंसान एक इलेक्ट्रिक ईल का झटका सहन कर सकता है लेकिन मुश्किल तब आती है जब एक साथ कई सारी इलेक्ट्रिक ईल हमला करने पर आ जाती हैं और वेनेजुएला के पानी में तो अक्सर आपको अकेले दिखेंगे ही नहीं क्योंकि ये मछलियाँ हमेशा झुंड में रहती हैं और इस कंडीशन में इससे बच पाना बहुत
बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पानी में रहने वाले इस जीव के बारे में जानकर आपको काफी मजा आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको किस जानवर पर चाहिए उसको भी कमेंट में जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या फिर इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।